हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस भी आपकी वेल इनफ बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो आई हूँ आप सभी के लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब के अपडेट को लेकर, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है फ्रेंड्स, JSSC की तरफ से फील्ड वर्कर की न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि JSSC होता क्या है। देखिए, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नई भर्ती आई है, जो कि रहेगी ग्रुप सी की भर्ती। अब ये है तो झारखंड की वैकेंसी, लेकिन इसके लिए ऑल इंडिया के किसी भी स्टेट के मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स के ऊपर, लेकिन अगर आप इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना चाहते हैं, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस को वास्ट डिटेल में समझना चाहते हैं, तो दोनों ही चीजें अपलोडेड है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे थे झारखंड SSC की न्यू फील्ड वर्कर की वैकेंसी के ऊपर, जिसके लिए टोटल पोस्ट 510 यानी कि 510 आपका टोटल सीट रहेगा। और अप्लाई डेट की अगर बात की जाए ना, तो 1st अगस्त से ये आपका ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है, एंड लास्ट डेट रहेगा 31st अगस्त, मतलब कि 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो इसके लिए जो फी लगेगा ना, SC ST कैंडिडेट से 50 यानी 50 रुपया, और अदर जो भी कैंडिडेट है उनसे 100 रुपया। SC ST में अगर बात करूं तो ये बात हो रही है झारखंड राज्य के SC ST कैंडिडेट्स की। अगर आप दूसरे राज्य के SC ST या फिर किसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो, आपको झारखंड में एज अ जनरल कैंडिडेट ट्रीट किया जाएगा। तो जो नंबर ऑफ वैकेंसी जनरल वालों के लिए है, उसी में आपके लिए भी सीट है, जितना पैसा उनको लगे, मतलब कि जनरल को जो चीज रहेगा वो सब आप अपने लिए समझ के चलना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब बता दूं कि एज लिमिट क्या होगी। एज आपका गणना किया जाएगा 1st अगस्त 2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार। जनरल कैंडिडेट और EWS ये आपका मेल के लिए हो जाएगा 18 वर्ष से 35 वर्ष, यानी कि 18 to 35 years। अब जैसा कि आपको पता है कि एज में कुछ रिलैक्सेशन मिलता है OBC, SC ST और फीमेल्स को, तो अभी हम लोग यहाँ उस अनुसार भी एज समझ लेते हैं। नॉर्मली तो मैक्सिमम एज आपका क्या रहेगा, 35 वर्ष जनरल EWS मेल के लिए। OBC कैंडिडेट मेल के लिए 18 वर्ष से 37 वर्ष, मतलब उनको 2 वर्ष का छूट मिल रहा है। SC ST मेल एंड फीमेल यानी महिला और पुरुष जो भी SC ST कैंडिडेट है, उनके लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष, तो उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, 5 वर्ष का उम्र सीमा में छूट मिल रहा है। फीमेल की अगर बात करें तो जनरल EWS और OBC के लिए 18 वर्ष से 38 वर्ष, यानी कि फीमेल कैंडिडेट को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। आई होप कि एज का क्राइटेरिया आप बिल्कुल अच्छी तरीके से कैटेगरी वाइज समझ गए होंगे। अब आती है ये मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो बहुत खुशी की बात है फ्रेंड्स कि आपका जो क्वालिफिकेशन है ना, सिर्फ और सिर्फ 10th पास, यानी कि अगर आपने 10वीं पास खाली कर रखा है ना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें कुछ आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, कुछ स्किल वगैरह का इशू नहीं है, बस आप 10वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो आगे जानेंगे इसके बारे में और भी विशेष जानकारी कि सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा इन डिटेल, लेकिन फिलहाल बता दूं कि आपके जो ये सीट आए हैं 510 यानी 510, उसको कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट के लिए 230 यानी 230 पोस्ट है, EWS के लिए 51 यानी 51, BC के लिए 7 यानी 7, EBC के लिए 45, SC के लिए 133, ST के लिए 44, मतलब कि ओवरऑल 510 सीट है, जिसमें आपने देख लिया कैटेगरी वाइज कितना कितना सीट रहेगा। तो ये सीट भी अच्छा खासा है। अब बारी आती है कि व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस, किन किन स्टेज से गुजरोगे ना तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी खुशखबरी है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टेज आपका यहाँ पर रहेगा, मतलब कि केवल आप रिटर्न एग्जाम में पास कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न एग्जाम बेसिस, तो रिटर्न एग्जाम में आपका क्या क्या रहेगा, क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, वो सब हम लोग अभी समझ लेते हैं।
देखिए फ्रेंड्स, पेपर आपका होगा सिंगल स्टेज एग्जाम, लेकिन एग्जाम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तीन पेपर्स में। टोटल आपका एग्जाम जो है ना 6 घंटे यानी 6 आवर्स का होता है। सेम डे होता है, दो दो घंटे का एग्जाम तीन पेपर में आपका डिवाइडेड होता है, और हर पेपर के बाद ना आपको छोटा सा एक ब्रेक दिया जाता है। तो चलिए फिलहाल समझ लेते हैं पेपर वन के बारे में। पेपर वन आपका 2 घंटे का होता है, लैंग्वेज यानी भाषा संबंधित प्रश्न इसमें पूछा जाता है, और ये क्वालिफाइंग होता है। तो आपको मिनिमम 30% स्कोर करना है तभी आप आगे क्वालिफाई कर पाओगे पेपर टू और पेपर थ्री के लिए। अब अगर बात करें कि कितना क्वेश्चन कितने नंबर के लिए, 120 क्वेश्चन 360 नंबर, मतलब कि पर क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलता है, और निगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 1/3 का रहेगा। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो इसमें देखिए भाषा संबंधित है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों से पूछा जाएगा। हिंदी से रहेगा आपका 80 क्वेश्चन 240 मार्क्स के लिए, मतलब 80 प्रश्न 240 नंबर के लिए। इंग्लिश से रहेगा 40 प्रश्न 120 यानी कि 40 क्वेश्चन फॉर 120 मार्क्स। तो दिस विल बी क्वालिफाइंग पेपर। देन आफ्टर 2 आवर्स आपको छोटा सा ब्रेक मिलेगा, फिर पेपर टू होता है। पेपर टू में आपसे रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के लिए, टाइम 2 आवर्स है, और निगेटिव मार्किंग 1/3, मतलब कि आपका 100 प्रश्न है 300 नंबर के लिए, समय 2 घंटे का है, और निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। अब बात करें कि क्षेत्रीय भाषा में कौन सा भाषा आपसे पूछा जाएगा। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली, बांग्ला, मुंडा, हो, खड़िया, उड़ाव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, उड़िया और पंच परगनिया। अब आप सोच रहे होंगे क्या इतना सारा लैंग्वेज पूछा जाता है। जी नहीं, इसमें से अगर कोई एक लैंग्वेज, मान लो कि आपको बांग्ला नहीं आ रहा है, मुंडा नहीं आ रहा है, खड़िया नहीं आ रहा है, लेकिन आपको हिंदी आ रहा है, तो आप हिंदी से आंसर कर देना। अब जिसको मुंडा आ रहा है वो मुंडा से करेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। इनमें से कोई एक आपका भाषा से संबंधित आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, जो कि 300 मार्क्स के लिए होगा। तो ये हो गया आपका पेपर टू। पेपर टू में क्वालिफाई करोगे तब आपका पेपर थ्री होगा, मतलब पेपर टू के अगले, मतलब 2 घंटे के बाद एक ब्रेक मिलेगा। सिंपल समझिए, पेपर वन 2 घंटे का है, पेपर टू भी 2 घंटे का, पेपर थ्री भी 2 घंटे का, लेकिन अब लगातार आपसे 6 घंटे एग्जाम लेगा तो आप उब जाएंगे, अच्छे से पेपर नहीं दे पाएंगे। तो हर 2 घंटे के बाद ना आपको कम से कम 10 या 20 मिनट का ब्रेक दिया जाता है, और उस समय आपका ओएमआर सीट वगैरह भी कलेक्ट कर लिया जाता है, तभी तो फिर अगले एग्जाम के लिए आपको ओएमआर सीट वगैरह दिया जाएगा। तो इस ब्रेक के बाद, पेपर टू के बाद आपका पेपर थ्री होता है। 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिलता है। टाइम की रही बात तो ये भी 2 घंटे का है। मैं बार बार आपको चिल्ला चिल्ला के बता रही हूँ कि 2-2 घंटे का तीनों आपका पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का रहेगा। अब इसमें विषय की अगर बात करें ना, तो जनरल नॉलेज यानी सामान्य अध्ययन से आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे। झारखंड स्पेशल जीके 50 क्वेश्चन, मतलब कि आप झारखंड में एग्जाम देने जा रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड एक बुक खरीदिए। अब उससे आपको जो भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जीके, आपका करेंट अफेयर्स, जो कुछ भी है झारखंड से रिलेटेड, सब कुछ पढ़ के रट के जाना है, क्योंकि 50 प्रश्न रहेंगे और 150 नंबर के लिए होगा। तो ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाएगा पेपर थ्री में। देन आपका मैथ्स के 10 क्वेश्चन फॉर 30 मार्क्स होंगे। लास्टली जनरल साइंस यानी विज्ञान के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे 60 मार्क्स यानी 60 नंबर के लिए। तो ये रहा आपका पेपर थ्री। अब बात ये आती है कि तीनों पेपर मैंने दे लिया तो मेरा जो सिलेक्शन है, मेरिट बनेगा, वो किस बेसिस पर बनेगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेपर वन है क्वालिफाइंग, उसमें 30% स्कोर आपको कम से कम करना है, लेकिन जब मेरिट बनेगा ना, तो पेपर वन का नंबर नहीं जोड़ा जाएगा, जोड़ा किसका जाएगा, पेपर टू और पेपर थ्री का नंबर ऐड करके जितना आपका कट ऑफ बनेगा ना, उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। उसके बाद क्या है, आपको झारखंड में एज अ फील्ड वर्कर जॉब करने की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और हाँ, एग्जाम सेंटर की अगर बात करें ना, तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट को झारखंड में जाके एग्जाम देना हो, क्योंकि ये एग्जाम क्या होता है, ऑफलाइन होता है, पेन एंड पेपर मोड से ओएमआर पर लिया जाता है, और झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर होता है। तो जहां पर आपका एग्जाम पड़ेगा, आपको आके एग्जाम झारखंड में ही देना होगा। तो सारी बेसिक चीजें तो क्लियर हो गई। अब आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोटिवेशन, कि आपको सैलरी क्या मिलेगी। देखिए
सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेके 56,900, मतलब 18,000 से लेके 56,900 के करीब रहता है। ये बस कहने के लिए आपको एक मोटा मोटी तौर पे बताया गया, लेकिन आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, आपको 20,000 से 25,000 तो शुरुआत में मिलेगा, बाद में बढ़ा के सैलरी आपका 60,000 से 70,000 कर दिया जाता है। तो आई होप कि आप इस अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग अपनी तैयारी को दुरुस्त कर लेंगे और इस बार एक सीट आप अपनी पक्की कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी तो दे ही दी है। अब भी कुछ पूछना है, क्वेरी है, तो डोंट हेजिटेट, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ना क्वेरी को आप क्लियर कर लेना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।